चला लो। हाय, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। मेरा नाम जो लोग जानते हैं न जानते हैं और बीच में आते हैं, मेरा नाम है इनाम। मैं हूँ इनाम, INAM इनाम। और आज का एपिसोड है season 1 episode 74। और कहानी का नाम हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। तो आज की कहानी कहां से शुरू हो रही है? सेटन्स गार्डन पे, गूगल पे देख लीजिए। सेटन्स गार्डन पे मैं हूँ। आइए बिरयानी खाएंगे, इडली वड़ा खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो बहुत इम्प्रूव करेंगे एक दूसरे के कंपनी में। आज की कहानी शुरू होती है एक साइंटिस्ट, मरीन साइंटिस्ट। मरीन मतलब पानियों का एक साइंटिस्ट है, पानियों का डॉक्टर, ठीक है। तो मरीन साइंटिस्ट क्या करता है, मिस्टर लैंगफोर्ड क्या करते हैं कि वो एक टैंक बनाते हैं। उस टैंक पे पानी है, उस टैंक पे पानी के साथ एक शार्क को रखते हैं और उस शार्क को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उस शार्क को छोटे छोटे मछलियों डाल देते हैं और वो शार्क वाह आके छोटे छोटे मछलियों को खा लेता है, ठीक है। और पानियों का डॉक्टर जो है मिस्टर लैंगफोर्ड, वो एक और बक्सा निकालता है और उसमें और पानी डालता है, ठीक है। पानी डाल के लेवल करता है और मछलियों को उधर छोड़ता है और जो शार्क है वो दूसरे टैंक पे रहता है। और इन दोनों के बीच, समझ जाइए कि बक्सा दो है और बीच में एक इनविजिबल दीवार है जो दिखता नहीं। तो शार्क का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये एक्सरसाइज किया था। शार्क देखता है और एक दम से जाके मछलियों को खाने लगता है। अनफॉर्चुनेटली जाके उसकी नाक दीवार पे, जो इनविजिबल है सिंस दो बक्से हैं, जाके मारता है, हर्ट होता है, जाता है, हर बार 100 बार करता रहता है। उसके बाद 101 बार वो किसी को अटैक नहीं करता, एकदम चले जाता है। क्यों? क्योंकि हर पैटर्न से उसको सिखाया गया है कि मछलियां उसके हासिल नहीं होगी, वो शार्क जो है मछलियों को नहीं खा सकता, ये उसके दिमाग में बिठा दिया गया। और उसके बाद शार्क के बक्से में मछलियों को लेकर डाल दिया गया। और हैरान की बात ऐसा था कि उस शार्क ने किसी भी मछलियों को अटैक नहीं किया, खाया नहीं, भेलपुरी बना के, खिचड़ी बनाकर आगे नहीं बढ़ा। तो ये था आज की कहानी, हैप्पी न्यू ईयर की कहानी। इस नए वर्ष में आप कौन सा पैटर्न सेट करेंगे? आप कैसे टाइप के शार्क बनना चाहोगे? जो शार्क गंदे गंदे आदतों को काट देने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कोई तरीका रहेगा तो इस डीजे वाले बाबू को बता देना और उस डीजे वाले बाबू उस तरीके को देखकर अपना लेगा। और उसी समय पर, उसी वक्त पर, उसी क्षण पर मैं एंड कर रहा हूँ आज की कहानी हैप्पी न्यू ईयर की। मैं हूँ इनाम, आऊँगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अंग्रेजी कहानी लेकर। जब तक डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।